हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम घर पर ही ऑरेंज आइस टी दो आसान तरीके से बना सकते हैं। और जो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दोनों ही तरीकों में आइस टी का कलर भी अलग होगा और टेस्ट भी अलग होगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दो आसान तरीके से ऑरेंज आइस टी। तो आइए पहला आसान तरीका देख लेते हैं ऑरेंज आइस टी बनाने का। तो मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है और उसमें 1 कप पानी का डाला है। मैं यहाँ पर 2 कप ऑरेंज आइस टी बनाने जा रही हूँ। और फिर पानी में हम नॉर्मल चाय की पत्ती, जो घर में हम यूज़ करते हैं वही चाय की पत्ती, हम 1 चम्मच डालेंगे और 2 चम्मच चीनी के डालेंगे। तो 1 कप के लिए मैंने 1 चम्मच चीनी ली है। अब पानी में बॉयल आने देंगे और साथ ही हम ऑरेंज पील भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो किसी भी पीलर से आप ऑरेंज का ऊपर का पतला सा छिलका निकाल कर पानी में डाल दें। तो इसका ध्यान रखें कि अगर आप मोटा छिलका डालेंगे तो आपको कड़वा टेस्ट आ सकता है। तो अब थोड़ा सा ऑरेंज पील डालकर हम इसको बॉयल होने देंगे। बॉयल आने पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर छलनी से इसको छान लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें आइस टी बनानी है तो हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। 1 कप हम ऑरेंज जूस लेंगे। तो मैंने घर पर फ्रेश ऑरेंज जूस निकाला है और उसको छलनी से छान लिया है। तो 1 कप ऑरेंज जूस भी डाल देंगे और साथ में थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग आइस टी बनती है। आप इसे अपनी किसी भी पार्टी में, किसी भी किटी पार्टी में या किसी भी फंक्शन में इसे सर्व कर सकते हैं। इसे अच्छा से ठंडा करके हम इसे किसी भी लॉन्ग ग्लास में सर्व करेंगे। बहुत ही प्यारा कर बना है, ऑरेंज आइस टी बनकर तैयार है। तो आइए अब दूसरा आसान तरीका भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज, लेमन, चीनी 2 चम्मच 2 कप के लिए और 2 टी बैग, यहाँ पर मैंने ग्रीन टी यूज़ की है, और थोड़े से आइस क्यूब्स, और साथ में हमें चाहिए 1 कप पानी। तो सबसे पहले हम ऑरेंज और लेमन का जूस निकाल लेंगे। मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है और 1 कप ऑरेंज जूस लेंगे। तो ऑरेंज जूस ये फ्रेश घर का बना हुआ है, इसे मैंने छलनी में से छान लिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्रीन टी तैयार करेंगे। तो ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है और उसे एक कैटल में डाल दिया है, और फिर उसमें 2 टी बैग डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक कर रखेंगे। तो इस तरह से ग्रीन टी तैयार हो जाएगी। तो इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं। तो कैटल में हम चीनी डालेंगे। तो 1 कप के लिए मैंने 1 चम्मच चीनी यूज की है। चीनी घोलने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 कप के लिए 1 चम्मच लेमन जूस काफी है। तो हम 2 कप आइस टी बनाने जा रहे हैं, तो 2 चम्मच हम लेमन जूस डालेंगे और 1 कप ऑरेंज जूस डालेंगे, और फिर थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर हम इसको अच्छे से चील करके सर्व करेंगे। तो इस तरह से ग्रीन टी के साथ ऑरेंज आइस टी बनकर तैयार है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग टी है, तो आप इसे ट्राई जरूर करें। तो इस तरह से हम घर पर ही ऑरेंज आइस टी दो आसान तरीके से बना सकते हैं, और दोनों ही तरीकों में टी का कलर भी अलग अलग है और दोनों का टेस्ट भी अलग है। आप दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करें और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और फिर एक अच्छी सी स्ट्रॉ लगाकर हम इसे सर्व करेंगे।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।